हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह अभी हम लोग पहला चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, जो आपका इंट्रोडक्शन है। और इंट्रोडक्शन में जो पिछली लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, वह यूनिट्स के बारे में पढ़े थे और यूनिट्स के टाइप पढ़े थे, कौन कौन से यूनिट्स के प्रकार होते हैं, जैसे मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। उसके बाद यूनिट्स के सिस्टम क्या होते हैं इनके बारे में जाने थे, जैसे MKS प्रणाली, CGS, FPS और SI यूनिट्स। इसके बाद इंट्रोडक्शन में जो लास्ट टॉपिक है, बचा हुआ टॉपिक है, वो हमारा है दृढ़ पिंड की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। यह आपकी लास्ट टॉपिक है जो आपके इंट्रोडक्शन चैप्टर का है। दृढ़ पिंड की अवधारणा क्या होती है? यह एक ऐसा पिंड है जिस पर बल को लगाने से उसके विमाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप लोग भी जानते हैं, जो दृढ़ पिंड होते हैं, दृढ़ पिंडो पिंड होते हैं जिस पर हम लोग बल लगाते हैं, तो उसके आकृति में या उसके आकार में, माप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे पिंड, ऐसी बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं, दृढ़ पिंड कहते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया इत्यादि। दूसरा पॉइंट है, कठोर पिंड में दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा स्थिर होती है, चाहे इस पर कोई भी बाह्य बल आरोपित किया जाए। दूसरे पॉइंट में, दृढ़ पिंड में दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा स्थिर होती है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मतलब है, यदि कोई आपकी, यह दृढ़ पिंड है, एक रिजिड बॉडी है, इसमें कोई दो पॉइंट, एक पॉइंट यह है ए और दूसरा पॉइंट है बी, यह दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वह आपकी हमेशा स्थिर रहेगी। यदि इन दोनों पॉइंटों के बीच में 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, दूरी है, तो हमेशा 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ही बनी रहेगी, चाहे आप उस पर बल लगाएं या ना लगाएं, चाहे आपका कोई भी बल उस पर कार्य कर रहा हो। तीसरा नंबर है, दृढ़ पिंड ठोस की उस आदर्श अवस्था को कहा जाता है जिसमें कोई विरूपण नहीं होता है। ठोस की उस आदर्श अवस्था को कहा जाता है जिसमें कोई विरूपण नहीं होता है। यहाँ विरूपण शब्द का मतलब होता है विकृति, विरूपण शब्द का मतलब होता है विकृति, और विकृति का मतलब होता है यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु में जो डायमेंशन में, माप में, या आप लंबाई में कह सकते हैं, या क्षेत्रफल में कह सकते हैं, या आयतन में कह सकते हैं, तो उसमें जो कमी आती है, या यूँ कह सकते हैं कमी आती है, या उसके जो माप ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं विरूपण। और यह विरूपण होता है कि जो आपकी प्रारंभिक डायमेंशन होती है और बल लगाने के बाद उसमें या तो चेंजेस जो आ रहा है, या बढ़ रहा है, या कम हो रहा है, तो दोनों का अंतर जो होता है उसी को हम लोग विरूपण कहते हैं। और जो दृढ़ पिंड होता है, जो रिजिड बॉडी होती है, यदि वह आदर्श अवस्था में है तो उसमें कोई भी विरूपण नहीं होता है। तो ऐसे चीज़ें हम मान कर चलते हैं कि जो हमारी लकड़ी है, लोहे हैं, उनमें विरूपण उत्पन्न नहीं होता है। आप जानते हैं कि जो लकड़ी या लोहे या जो भी ठोस होते हैं, ठोस पिंड के जो आंतरिक कण होते हैं वह काफ़ी पास पास होते हैं, किसकी अपेक्षा, लिक्विड और गैस की अपेक्षा। इसीलिए ठोस पिंड को हम लोग, ठोस बॉडी को, जो आपकी ठोस चीज़ें होती हैं, उसे हम लोग रिजिड बॉडी मानते हैं। और यह आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद आपके पहला चैप्टर, आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, और इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, वह आपका है बलों के नियम। तो बलों के नियम आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज़ और आप लोगों से कहना था दोस्तों, कि यदि आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट का, जो भी हमारे चैनल पे जो सब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं पॉलिटेक्निक कैप्सूल पर, उसमें जिस भी सब्जेक्ट का आपको PDF चाहिए, वह PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटेक्निक कैप्सूल पे
मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटेक्निक कैप्सूल को ज्वाइन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।